हाय गाइस, मैं राजू और आप देख रहे हो टेक्निकल एचआरटी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एप्सन L3110 प्रिंटर में सिंगल कलर प्रिंट होता है, ठीक है, दूसरा कलर कोई प्रिंट नहीं होता है। कैसा प्रिंट होता है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। अगर मैं कोई भी प्रिंट करता हूँ तो ये कलर देखिए, ये या आपको मैजेंटा येलो या आपको दूसरे कलर में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सिंगल प्रिंट जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को हम ज़्यादा लेट ना करते हुए जानते हैं कि हम एप्सन का जो सिंगल कलर प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, अगर आप एप्सन L3110 का सिंगल कलर प्रिंटिंग, यानी आपको जो वीडियो में दिखाया गया है दोस्तों, सिंगल कलर प्रिंट होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में जाना होगा। सबसे पहले प्रिंटर को ऑन रखना होगा, ठीक है, और कंप्यूटर के साथ अटैच करके रखना होगा। और उसके बाद आपको जाना है कंट्रोल पैनल में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल में चला जाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर एक सिलेक्ट करना है ये वाला हार्डवेयर एंड साउंड, और उसके नीचे आपको व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस खुलता है ऐसे। उसके बाद आपको प्रिंटर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कोई भी। और यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसको राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर प्रिंटिंग प्रिफ्रेंस में जाना है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रिफ्रेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर न्यू एक इंटरफेस खुलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, मेंटेनेंस में जाना है, ठीक है। मेंटेनेंस ऊपर देखिए, यहाँ पर मेंटेनेंस में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, नोजल चेक, हेड क्लीनिंग, प्रिंट हेड अलाइनमेंट, पावर इंक फ्लाशिंग, जॉब अरेंजर लाइट, और एप्सन स्टेटस मॉनिटर, मॉनिटर प्रिफ्रेंस, एक्सटेंड सेटिंग, प्रिंट क्यू, प्रिंटर एंड ऑप्शन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आपको सिंगल कलर प्रॉब्लम आ रहा है, सिंगल कलर प्रिंट हो रहा है प्रिंटर से, तो आपको एक काम करना है दोस्तों, पावर इंक फ्लाशिंग में क्लिक करना है, ठीक है। पावर इंक फ्लाश, ठीक है, इसमें जब आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे एक आता है, ए कम्युनिकेशन एरर हैज अकर्ड, प्लीज़ चेक योर सॉरी। अगर आपका प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कुछ एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट करके उसके बाद स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी ऐसे करके अपना जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो सॉल्व किया है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो प्रिंटर है दोस्तों वो कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पावर इंक फ्लाशिंग करते हो दोस्तों, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, आपका जो प्रिंटर का सिंगल कलर प्रिंटिंग प्रॉब्लम है वो दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं एवरीडे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रेस्पेक्ट योर वैल्यूएबल टाइम।